क्या बकवास है, स्क्रिप्ट किसने गलत लिख दी यार? अरे फिर से देख लो। एक टू मैं समय अंजेरा भाजा टाइम पास हूँ। वैसे तो मेरी लाइफ मेरे टीवी सेट की तरह ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन आज 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 कहानी में ट्विस्ट आया है। नाउ वेलकम ब्लाइंड मैन ऑफ महाभारत वन एंड ओनली धृतराष्ट्र। अब क्या है कि महाभारत तो है तो बुलाना तो पड़ेगा। सबसे पहले आ रहे हैं पांडवों की तरफ से धर्मराज युधिष्ठिर और कोणार्क और कमेंटेटर बंदा। एक बार जब पुल ने कमिटमेंट कर लिया तब पुल खुद के भी नहीं सुनता क्या? बड़ू सब ठीक? कल ही ऑपरेशन कराया है, एक में बकरी की और दूसरे में उल्लू की आंख लगाई है। एक से रात में दिखता है, एक से दिन में दिखता है। और दोपहर को कैसे मैनेज करोगे बे? अबे दिख जाएगा, धुंधला धुंधला ऐसा बोला है डॉक्टर, कर लेंगे मैनेज। पांडवों की तरफ से अगले प्रतिद्वंदी हैं टू टाइम WWE चैंपियन महाबली भीम। शरीर में 206 हड्डियां हैं और संविधान में 1670 कानून। मैं हड्डियों से लेकर कानून तक सब तोड़ता हूँ। भैया थोड़ा हक लगवा दे जरा। ये लो। क्या यार कुछ खाया पिया करो ना। नाम तुम्हारा भीम है और लगते तुम पत्थर से लोग। खाते हैं ना भैया, पीते भी हैं। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। अच्छा तो बूस्ट है तुम्हारी एनर्जी का स्रोत। पांडवों की तरफ से आ रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन। अब तक चुप्पन और सहदेव। माँ के प्यारे सबके दुलारे आकाश के तारे लल्लन टावर पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है?
सबसे पहले आ रहे हैं लंगड़ा त्यागी, मतलब पूरे महाभारत की फसाद की जो जड़ है वो शकुनी मामा। मेरा नाम है शकुनी, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं, गोटियां। आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। जीजा जी नमस्ते। दीदी ठीक? रोज करता हूँ योगासन और ललिता, भैया जो कहेंगे वही मैं करूंगा। कितने पांडव थे? पांच पांडव, एक दो तीन चार पांच। और क्यों यार दुर्योधन तुम झूठते हो? कभी पान की पीक मार देते हो, कल देखे बालकनी से सिगरेट पी के नीचे फेंकती है, क्या पता चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम पर झुक जाएगी। दुर्योधन तुम इतने समझदार आदमी हो, ये तुम्हें शोभा देता है इधर थूकना उधर थूकना। इतना थूका थाकी करोगे तो किस दिन पकड़े जाओगे। और शायद तुम्हें पता नहीं है जितेंद्र और मनोज पूरी रात में है सीसीटीवी कवरेज देखते रहते हैं। जिस दिन पकड़े गए पूरे ग्रुप में तुम्हारी फोटो घूमेगी और उसके बाद उल्टी फोटो क्लब हाउस के नोटिस बोर्ड पर उल्टी करके टांगी जाएगी। तो मेरी सबसे तुम्हीं से नहीं सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आईवी अपार्टमेंट्स को क्लीन रखें, साफ रखें, हाइजीनिक बना रखें। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको निभाएं। तुमने सुना। अब आ रहे हैं महाभारत के सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह। तालियां। छोटी लेकिन मोटी बातें, झगड़ा नहीं करना। भैया
इतना तो सुनते जाओ, हम खेलेंगे और जरूर खेलेंगे। वो जगह भी हमारी होगी, वो मामा भी हमारा होगा और जीत भी हमारी होगी। दुर्योधन तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? तुझे बातें हमारी लगे बोली बोल 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 सबके करेक्टर में झोल झोल पब्लिक में इतना झोल मत बोल मत बोल। दुर्योधन तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? पत्ते दिए तूने खोल 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 हमसे अगल के तू मत बोल मत बोल अब खोलेंगे हम तेरी बोल 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 पब्लिक में इतना झूठ मत बोल मत बोल। दुर्योधन तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? 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 ज्यादा बोल नहीं वरना अपने तीरों से छलनी कर दूंगा। अर्जुन तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो बस आंख ही मार सकते हो। कुछ भी करने का अर्जुन का ही और हर नहीं करने का। अर्जुन के तीर में इतना लोहा है, एक बार घुस जाए तो शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। अपुन कौन? युधिष्ठिर समझा क्या? अपुन के पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, 20 खोखा रखे जाए, 25 खोखा रस्ते में है, चल गाड़ी रखे चल। भैया वो अपना आई वाला प्लेट भी तो है, उसे तू भी रख। खेल में चीटिंग करता है काहे का धर्मराज में? आईवी में तो मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है। दुश्मन की जारी है आफत, तू लगा
चाल ठीक है, तू बोलता है तो लड़ाई लाओगे। समय रहते समझ जाओ।